हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है सर, आप पहले थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। सर यही है इसमें कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कहना यह है कि वेयर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी अगर दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर ले लीजिए, मान लो एक ट्रायंगल आप दो ट्रायंगल ले लीजिए सर, कोई भी दो ट्रायंगल कोई भी रहे, हाँ, कोई भी सिमिलर ट्रायंगल ले, सिमिलर ट्रायंगल आपने ले लिया, हाँ, एक ले लिया ये और एक ट्रायंगल और ले लीजिए और ये क्या ले लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल क्या है सर सिमिलर है, सिमिलर दिया है, देन द रेशियो ऑफ एरिया यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। अच्छा मान लो इसका नाम ए बी सी दे दिया जाए, बी और इसका पी क्यू आर, बिल्कुल PQR दे दिया जाए, तो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दो ट्रायंगल यानी दोनों ट्रायंगल का रेशियो आप लिखिए सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा अच्छा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या होंगे इक्वल होगा टू द इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओह स्क्वायर ऑफ होगा, स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, हाँ, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर। अच्छा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। देखिए सर, इससे पहले हमने सर प्रूव किया था कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करेस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ये तो हमने पढ़ रखा था, प्रूफ भी किया था सर, हाँ, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन सर वही चीज ये है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया सर कि इसी चीज को आप कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ये बताओ, अभी तो हमने यही पढ़ा था सर कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हमने यही पढ़ा था कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, हाँ, और ए सी अपॉन पी आर के, हाँ, और एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। सर ये तो हमने प्रूफ किया था, लेकिन वही चीज दिया है, वही दोनों ट्रायंगल कह रहा है सिमिलर है, तो आप ये बताइए कि इनका रेशियो स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा ये अच्छा, एरिया अगर इनका निकाले तो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो भाई, मैं तो एरिया से सारा सारा मामला सॉल्व किया हूँ एरिया का यूज करके, तो ये सब मैं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे एरिया से रिलेटेड जो है थ्योरम सॉल्व करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है सर। बिल्कुल, बीपीटी मैंने वैसे किया, जो है एंगल बाय सेक्टर भी ऐसे किया, तो इसी पर मैं खात्मा भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बताइए कैसे क्या करना रहेगा। जी बिल्कुल, कुल मिला जुला कर ये हमारा प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है सर। एक काम को ये इरेज कर दे तो बेहतर है, क्योंकि हो गया जो काम की बात थी वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि प्रूफ क्या करना है, इसका स्क्वायर रेशियो और इसका स्क्वायर रेशियो, इसका स्क्वायर रेशियो, मतलब करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स का उसका स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना है, और एरिया से वो भी, बिल्कुल एरिया, ठीक है ठीक है। तो मैं ये सिमिलर ट्रायंगल वैसे रहने देता हूँ सर, और उसके अंदर ही कुछ इकड़म तिकड़म लगा के मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि एरिया से तो अपने को कोई टेंशन नहीं होने वाला, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है उसका मतलब जो थ्योरम होता है, जो लिखा होता है सर वर्ड फॉर्म में, कुल मिला जुलाकर वही लिखा होता है, लिखा होता है जो करना होता है, यस। तो ये हमारा ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो मैं इसके लिए एक तरीका अपनाऊंगा सर, ये ए बी सी है, मैं इसके लिए एक तरीका अपनाऊंगा, यहाँ पर एक जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि जब एरिया रहेगा सर तो मुझे चाहिए हाइट, बिल्कुल एरिया रहे तो सर एक हाइट की हमें एक ही फार्मूला पता है सर, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी मैं क्या काम करूंगा, सिमिलर ट्रायंगल है ही है तो उसमें टेंशन नहीं है, बिल्कुल। ये मैं क्या काम करूंगा, इसका नाम दे दूं क्या सर, दे दूं इसका नाम एस दे दूं, है कि नहीं। लेकिन सर इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा था, किसको आप एक वे में प्रूफ करिए क्या गिवन है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में आया हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड में खास करिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हाँ, जो अक्सर पूछे, बीपीटी के बाद इसी का नंबर आता है सर। अच्छा, एंगल बाय सेक्टर तीन थ्योरम है, जो तीनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में मिलेगा ही, 100% ओपी। तो बेसिकली ये रहेगा सर कि क्या गिवन है वो लिखने। अच्छा अच्छा, तो मैं लिख देता हूं सर, पहले गिवन क्या है, आप बोलते हैं सर गिवन क्या है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल जो हमने पीछे पढ़ रखा है, ये सर बोलिए ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर,
एसी अपॉन पी आर देख लो बेटा यहाँ पे लिखा है एसी अपॉन पी आर इसके रेशियो के बराबर होगा। ओके भी लिख दिए सर कि एंगल ए एंगल पी के बराबर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर सब लिख दीजिए सर। कॉरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे सर इक्वल होते हैं हमने पढ़ा एंगल ए एंगल पी के बराबर ये एंगल पी के बराबर है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है एंगल सी एंगल आर के बराबर ठीक है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर एंगल आर के बराबर है ठीक है मैंने लिख दिया ये हो गया ठीक है ये गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन किया है आपने क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कंस्ट्रक्शन किया है तो हम कह देंगे ड्रा अ सेगमेंट एपी या ड्रा परपेंडिकुलर ऑन लाइन बीसी ठीक है सर एपी ठीक है ये लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में जाएंगे आपने जो काम किया है वो बताना पड़ेगा सर ठीक है ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे भाई कंस्ट्रक्शन जो काम कर रहे हो बता देंगे कि एपी ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी ऑन किसमें बीसी बीसी लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सर तभी हाँ. आप एरिया लगा पाएंगे एंड और एंड ड्रॉ पी एस सेगमेंट पी एस ड्रॉ पी एस परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर क्यू आर ठीक है ये कर देंगे ये कंस्ट्रक्शन हो गया ये कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्कुल। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है सर अब प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है भाई सीधा सीधा इसका ए बी मतलब एरिया ऑफ लिख दे सर ज्यादा बेहतर रहेगा कि एरिया ऑफ जो भी प्रूफ करना ऊपर लिख दे पड़ा रहेगा हाँ ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल होगा इसका रेशियो होगा एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर क्यूआर स्क्वायर एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर ये आपको प्रूफ करना है प्रूफ करना है बिल्कुल ठीक है हो गया सर आपका प्रूफ प्रूफ जहां से आप प्रूफ करना स्टार्ट कर दें ठीक है अभी हम क्या करेंगे सर सॉल्यूशन में जाएंगे बिल्कुल ठीक है अब हमारे पास जगह नहीं है बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल क्योंकि हमारे पास जगह नहीं मैं यही से करने वाला हूँ ठीक है ये सर ने बता दिया तरीके से जरूरत थी सर क्योंकि एग्जाम में आता है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए सीरियल वाइज करें तो ज्यादा बेहतर ऐसे तरीका अपनाओ बिल्कुल यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं अब हम लगे तो सर गिवन और कंस्ट्रक्शन दोनों आप हटा दीजिए यस यस तो मैं या गिवन रहने दे रहा हूं काम गिवन का काम आएगा प्रूफ भी मैं रहने दे रहा हूं बिल्कुल ठीक है और बाकी चीजें इसी से सॉल्व हो जाएगा सारा काम अगर गिवन नहीं हटा दिया सर हमने एंगल तो ये भी बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो इस एंगल को मैं एक सर्कल से डिनोट कर दे रहा हूं ये एंगल ये दोनों एंगल बराबर है और ये सी इसको मैं स्टार दे दे रहा हूं सर हाँ उसमें कोई टेंशन लिखने के लिखना आपने हटा दिया कोई दिक्कत नहीं हाँ ठीक है इसको ये कुल मिला जुला कर सिमिलर है तो मैंने हटा दिया है बिल्कुल बेटा और बाकी सारी चीजें ऐसे लिखना है हमारा टारगेट देखो तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा सर जी सर यहाँ पर मैं लूंगा एरिया बिल्कुल ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लूंगा सबसे पहला मेरा टारगेट होगा ट्रायंगल एरिया और रेशियो में निकालिए ना फटाफट दोनों एक साथ लेके चलते हैं जल्दी बताएंगे सीधा सीधा ठीक है उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ले लूंगा सर बवाली खत्म हो जाए एक बार में है कि नहीं अब इसका बताइए सर ये एरिया होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ कौन होता है भाई जिसपे परपेंडिकुलर सीधी हाँ तो हाफ इंटू बेस मतलब हमारा क्या होगा सर बीसी हाँ बीसी एपी और हाइट हमेशा ये जो परपेंडिकुलर होता है हमारा एपी है इसलिए तो हमने किया है अपॉन हाफ इंटू क्यूआर अपॉन क्यूआर इंटू पीएस QR into PS PS वो perpendicular ही height है हमारा ये half आप कट जाएगा तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ बार बार बेटा ये हो जाएगा BC into AP divided by QR into PS अब ये भी मैं लिख सकता हूँ सर BC upon QR QR into AP upon PS बिल्कुल सर ठीक है ये हमने लिख दिया बिल्कुल अब क्या काम करेंगे सर ये triangle हो गया यहाँ पर अभी मैं क्या काम करूँगा ये triangle ले रहा हूँ सर फिर से triangle ए बी पी तो यहाँ पर यहाँ पे ले लूंगा पी क्यू एस ले लूंगा बिल्कुल ठीक है तो ए बी पी और पी क्यू एस अगर ले लूंगा बिल्कुल तो वहां से हम क्या करेंगे सर यहाँ से सर हम ये कर देंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें सिमिलर हमने पढ़ाई है टेस्ट एंगल एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो तीन ही टेस्ट है एंगल एंगल टेस्ट साइड साइड टेस्ट और एंगल साइड एंगल टेस्ट तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे और सर ये सिमिलर दिख भी रहे हैं किसी भी दो ट्रायंगल में ये एंगल एंगल के बराबर ये एंगल एंगल के बराबर हां तो सिमिलर है ये एंगल इसके बराबर ये एंगल इसके बराबर तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एंगल एंगल टेस्ट है ये हम दिखा देंगे यहां से हमें कुछ रेशियो मिलेगा यस ये दो अगर सिमिलर है तो सर आपका क्या यहाँ पे क्या राय रहेगा मैं क्या काम करूंगा सर यहाँ पे यही करेंगे सर कि ए बी ये जो आपका ए बी है ये लिखेंगे ए बी क्यू ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस हाँ ठीक है लिख दिया उसके बाद फिर यहाँ पर क्या काम करें एरिया निकालें क्या करें सर नहीं सर एरिया नहीं निकाले सर एरिया निकालने की जरूरत जरूरत नहीं हो गया ना सर आपने इसका निकाल दिया एरिया में अब यहाँ पे सीधा सीधा बात हमें तो ये मालूम है कि ए बी अपॉन ये सर ए बी अपॉन पी क्यू
बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर और बीपी यहाँ पे हम अपॉन क्यू एस, तो अगर यहाँ पे सिमिलरिटी अगर लगा दी, सिमिलर है ही है सर, ये ट्राइंगल जो है आपका जो बोल रहे हैं ट्राइंगल ए बी पी ये सिमिलर है, ठीक है, ट्राइंगल क्यू बी पी क्यू बी क्यू एस पी क्यू एस ट्राइंगल पी क्यू एस से ये सिमिलर है, तो एक बात सीधा सीधा पता चल रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू ये तो दे रखा है सर, हाँ, तो ये तो आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे सिमिलर है तो जाहिर सी बात है ए बी अपॉन अपॉन पी क्यू ये बराबर होगा किसके, ए पी ए पी अपॉन पी एस, ए पी अपॉन पी एस के, और वो भी इसके बराबर होगा किसके, बी पी अपॉन क्यू एस, बिल्कुल है कि नहीं, बी पी अपॉन पी एस, पी एस के कि क्यू एस के सर, बी पी अपॉन क्यू एस है ना, वो क्यू एस के, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यही से कुछ इकड़न तिकड़न लगाना है, क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू, तो आप लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले सर वो लिखना जरूरी रहता था, करस्पॉन्डिंग जो हमारा था वो मिटा दिए थे, मिटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक मदद मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू इसके रेशियो से, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे क्या है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, पी आर के, ठीक है। तो हमारा पहले टारगेट है ए बी अपॉन पी क्यू, मैं निकाल दूं स्क्वायर या BC अपॉन QR निकाल दूं, बिल्कुल। तो यहां पर मैं एक मदद, यहां पे अपने को एक फायदा मिल सकता है सर, AB अपॉन PQ इसके जगह पर देखिए ना सर, AB अपॉन PQ के जगह पर यहां पे आया ना अपना, बिल्कुल बिल्कुल, इसके जगह पर मैं BC अपॉन QR लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और हाँ। मैं कह रहा हूं सर कि अगर इसको आपका ये इसके बराबर है तो इसका कुछ काम, चूंकि ये प्रूफ अगर हाँ, आप देख रहे हैं सर, प्रूफ देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ आ नहीं तो रहा मैं क्या काम कि कर बीपी अपॉन क्यूएस कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, तो हमें जो प्रूफ करना है सर कि एपी अपॉन पीएस की जगह अगर मैं पुट कर दूं एबी अपॉन पीक्यू, बस 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 सीधा सीधा सीधा, लेकिन ये बात सीधा सीधा ये है सर, एपी अपॉन पीएस इसके जगह पर एबी अपॉन पीक्यू, बिल्कुल। अब एबी अपॉन पीक्यू के जगह पर बीसी अपॉन क्यूआर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है, बिल्कुल। क्या छोड़े, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर एपी अपॉन पीएस ये हमारा एपी अपॉन पीएस है, बिल्कुल, और इसके जगह पर एबी अपॉन पीक्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों बराबर है सर, तो किसी को कोई भी उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू जगह पर बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बेटा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो फिर ये इसके बराबर, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर अगर पुट कर दे सर तो दिख गया, तो आंसर आ गया ना फिर, तो सीधा सीधा, तो एक तो मैं मेरा यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा हो जाएगा बेटा, इसी को मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसे आगे कंटिन्यू है, यहीं पे लिख देना, यहीं पे जगह है यार, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर और AP अपॉन PS की जगह पर ये होगा और इसके जगह पर ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बिल्कुल, यहाँ पर नाम तीनों बराबर है सर, बस किसको भी पुट करिए, BC अपॉन QR, अब बताओ यहाँ पर रेशियो BC स्क्वायर डिवाइड बाय QR स्क्वायर, ठीक है, हो गया, ये प्रूव कर दिया, और जब एक ही प्रूव कर दिया तो सारा तो एक ही जैसा होने वाला है, एक ही जैसा है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ क्या AB अपॉन PQ लिया, तो AB अपॉन PQ की जगह पर आपने आपने जो है BC अपॉन QR, AC अपॉन PR भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते, तो ये डिफरेंट तरीके से, जैसे मान लो सर उसको ले सकते हैं सर, एसी अपॉन पी आर ये ले सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन इसके लिए हमें इस ट्रायंगल इसको और इसको सिमिलर करना, बस बस, तो वही मैं बोला सिमिलर, जैसे जैसे मैंने इसको ये ट्रायंगल और इसको ले लिया है, वैसे इसको ले लेंगे तब भी हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर ये वाला प्रूव करना चाहे एपी अपॉन पीएस, बेटा एग्जाम में तो इतना ही लिखना होगा, एंड सिमिलरली 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 वी कैन प्रूव, वी कैन, एक आपने बता दिया, एक और बता दीजिए श्रोता की क्लियर हो जाए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, यहां से एक रेशियो निकाल के बता, बस मेरा क्या, मैंने मेरा क्या कहने का मतलब है कि बेटा ये चीज आपके एग्जाम में अगर देखा जाए, आपके अगर महाराष्ट्र बोर्ड में है तो यहाँ पर इतना करके उसके बाद आपको सीधा सीधा लिख देना है, एक लिख सकते हैं आप, यस, तो आपको यही लिख देना है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है, बीसी अपॉन बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 100% यहाँ से एक्सेप्टेबल है, और रही बात जो है यहाँ पर एक और प्रूफ करने लिए, वहीं से हो जाएगा, क्योंकि एपी अपॉन पीएस के जगह पर एबी अपॉन पीक्यू है, बिल्कुल। तो एबी अपॉन पीक्यू के जगह पर देखो ना यहाँ पर बीसी अपॉन क्यू आर, बिल्कुल, तो बीसी अपॉन क्यू आर है ना यही चीज, बिल्कुल है, तो आप यहाँ पर बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एपी अपॉन पीएस लिख सकते हो, तो यहाँ पे एपी स्क्वायर डिवाइड बाई पीएस स्क्वायर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, तो अगर वैसा चाहिए तो एपी की जगह पर ये आप एबी अपॉन पीक्यू भी लिख सकते हो, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल। मैं कैलकुलेटर भी लेकर इधर उधर घुमाना है, खाली गेम खेलना सिर्फ है। आपको इसमें मुझे लगता है सर कि इसमें जो हमने ये दोनों एरिया निकालना था, यहाँ से हमने ये निकाला, सिर्फ आपको इसमें एपी अपॉन पीएस की जगह पे वैल्यू पुट कर दे जाए, आपको ये दिखता जाए, बस बस बस। तो कहने का मतलब ये, इसी तरीके से ये हमारा एरिया ऑफ जो है अपना
थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये बहुत काफी इजी है, स्क्वायर करके आराम से निकाला जा सकता है। और सिर्फ आप यहां तक निकालोगे और लिख देना सिमिलरली ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा शौक लग रहा है भाई तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इसके बराबर, इसको सेकंड बोल दे रहा हूँ, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड ट्रायंगल है वो तो दिया ही है कि सिमिलर है, सिमिलर हमने यहाँ बता ही रखा है। उसके बाद इसको इसके सिमिलर करोगे तो वहां से भी एक रेशियो मिलेगी इस टाइप की, एपी अपॉन पीएस इनटू समथिंग कुछ आएगा, वो करके आप निकालोगे, पुट करोगे, दूसरा मिल जाएगा। तो दूसरा इसी तरीके से इस थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते, प्रूव किया जा सकता है। तो आसानी से आप इसको प्रूव करना, कुछ डाउट होगा तो बताना, मुझे तो नहीं लग रहा डाउट होने वाला है।